निशांत, आप आई कैन सी योर अर्निंग्स बिहाइंड यू राइट नाउ. आपके पीछे आपके दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स और मेडल्स हैं आई गेस. थैंक यू. यस मतलब ये आपको छोड़ा है, मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे काफी कुछ है. हाँ, मेरे पीछे मेरी थोड़ी सी माय लिटिल बिट ऑफ वर्क एप्रिसिएशन, आई वुड से वही है, वर्क इसको अप्रिशिएट लिटिल बिट किया नहीं गया है. कहेंगे, ये वॉल ऑफ फेम है. जैसे हॉल ऑफ फेम होता है, ये वॉल ऑफ फेम है. और हम तो चाहेंगे कि ऐसी मतलब घर में और कोई दीवार ना करेक्ट बचे, करेक्ट किसी जगह पे करेक्ट. कोई जगह खाली बचे. नहीं, सब लोगों का प्यार है, इट इज लव फ्रॉम पीपल, सो मिलते रहता है बीच बीच में. दैट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन. I'm तभी so हम sure आज about it. बात कर रहे हैं. जी, आई विश कि आपको ये प्यार जो है मिलता रहे हमेशा. थैंक आपको यू हमने थैंक पूरी ही इस वक्त जहमत दी है, इसलिए कि अब आप देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन हो गया है और यू. एवरीबॉडी इज लाइक लॉक्ड इनसाइड देयर होम्स फॉर देयर ओन गुड, फॉर देयर ओन सेफ्टी, फॉर करेक्ट एवरीबॉडी सेफ्टी. तो करेक्ट. इस बीच हम ये सोच रहे थे कि अब क्या होता है कि जैसे घर में हम सब लोग हैं, आप भी हैं, तो कई बार आदमी सोचता है कि यार आज फ्राइडे था, या फिर यार आज मतलब आज ये खाने का मन था, वो खाने का मन था, बाहर नहीं जा सकते, और साथ में नवरात्र भी शुरू हो गए हैं. तो करेक्ट ऐसे में करेक्ट. कौन सी वो चीजें हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, कि जो जल्दी भी बन सके और एक टी टाइम स्नैक भी हो और हेल्दी भी हो. ऑफ कोर्स मतलब इतनी सारी, मुझे पता है मैं इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस और इतनी सारी लिमिटेशंस डाल देता हूँ तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए, नहीं, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम. क्या कहना चाहेंगे आप यस, उन लोगों के लिए जो घर में बैठे हैं और जो होम मेकर्स को एक रेस्ट देना चाहते हैं, जो अपनी वाइफ्स को जो है करेक्ट. हाउस वाइफ्स को देना चाहते हैं, थोड़ा उनके लिए कुछ कुक करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, आई थिंक गुड दैट नवरात्र है, तो रेस्ट्रेंट तो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आप अपनी बॉडी को ऐसे भी डिटॉक्स कर लेते हो, और डिटॉक्स हाँ करने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है. ओके, सो आई थिंक दिस इज इन ए सर्टेन वे दिस इज ए गुड पीरियड टू रिलैक्स योर बॉडी एंड टू बी विथ योर बिल्कुल फैमिली. एंड देन एंड वॉट एवर टाइम यू थिंक दैट यू डोंट गेट टाइम नाउ, यू हैव ऑल द टाइम इन लाइफ. जी हाँ एंड जी हाँ जी कुकिंग हाँ इज जी हाँ सॉर्ट ऑफ एंड कुकिंग इज वेरी डिस्ट्रेसिंग. कुकिंग से स्ट्रेस कम होता है, कुकिंग जब आप करते हो और घर में उन लिमिटेड रिसोर्स से कुछ अच्छी चीज बना लेते हो, तो दैट इज रियली ब्यूटिफुल. जी तो मेरे हिसाब से आपको जो मैं एक टी टाइम स्नैक बताना चाहता हूँ, ओके, उसमें मैं कच्चा केला, ओके, आई थिंक कच्चे केले अच्छा का अगर आप यूज करें, ठीक है, और उसकी टिक्की बनाएं, उसको मखाना क्रश करके अगर उसको आप कोट करके फ्राई करें, तो आई थिंक दैट विल अच्छा बी एन अमेजिंग अमेजिंग स्नैक. ओके, और नाइस आप चाहे तो उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है. सो अच्छा बेसिक प्रोसेस ये है कि केले को आप बॉईल कर लें, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें, और ओके बॉईल करें बाद उसको आप छान दें, उसको कद्दूकस कर लें इन आर होम लैंग्वेज. ओके, ग्रेट कर जी लिया हाँ जी हाँ आपने, जी हाँ ग्रेट कद्दूकस ग्रेट करने के बाद उसमें आप थोड़ा सा चॉप धनिया, ओके, थोड़ी जी सी काली मिर्च, ओके, और उसमें थोड़ा सा, अगेन थोड़ा सा अगर सेंधा नमक और चाहिए तो और जी डाल दें, ओके. थोड़ा सा चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, बिकॉज चटपटा होना जरूरी है. तो और चाट अच्छा मसाला आप यूज नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, तो आप ओके चाट हाँ मसाला नहीं यूज करेंगे, ओके. तो बिल्कुल चाट आप, मसाला बिल्कुल हाँ, मतलब आई थिंक वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग पैकेट वाला चीज, ओके. अगर आपको जी कुछ जी जी बनाना ही है चाहे मसाला, तो अपना खुद का ही बना लें. आप थोड़े से अजवाइन के दाने, थोड़े से चिली के दाने को पैन में भून लें, ओके अनियन सीड को थोड़ा भून लें, और उसको उसको आप पाउडर जैसा ग्राइंड कर लें, तो आपका अपना मसाला हो जाएगा वो. ओके, आई थिंक आई वुड एडवाइज कि हाँ सब लोग अपना मसाला घर में बना कर रखें. उसमें एक यूनिकनेस भी आता है, एक फ्रेग्रेंस भी होता है, और एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि मैंने जी अपना कुछ जी जी अपना बना लिया. तो आप हाँ हाँ उसको बिल्कुल कद्दूकस कर लिया आपने, तो आप थोड़ा सा चाहे तो उसमें किशमिश के भी दाने दाने डाल सकते हैं, बिकॉज ओके अगेन ड्राई फ्रूट्स आर अलाउड, और ड्राई फ्रूट से में ओमेगा 3 होता है, ओके. तो वो ओमेगा 3 जी हाँ, आपकी ड्राई बॉडी फ्रूट्स के में लिए ओमेगा काफी 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 फायदेमंद, मात्रा में होता है. जी काफी मात्रा में होता है. तो आप उसमें काजू, पिस्ता, किशमिश, और जो भी आपको इजीली मिल जाए, आपको अगर पामकिन सीड मिलते हैं, अगर वो अगर फ्लेक्स सीड मिलता है, तो वो डाल दें अंदर. और आपने ग्रेट कर लिया, आपने उसके अंदर
चॉप कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, आपने चिली पाउडर और आपने सेंधा नमक डाला और उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए, तो एक तरह का आपका वो, एक तरह का वो भरता जैसा, आपने आलू का जैसा आप आलू का भरता बनाते हो बिल्कुल वैसे ही हो गया। और उसके बाद आप चाहे तो इसको हल्का सा पैन में हल्का सा ऑलिव ऑयल के साथ आप भून भी सकते हो। ओके, थोड़ा सा आपने भून लिया, हाँ थोड़ा सा भून लिया ताकि वो रोस्ट का जो फ्लेवर है ना वो आने लगता है फिर। ठीक है, अगर आप उसको पैन में भून लेते और उसके बाद आप इसको, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी बाइंडिंग, केले में खासियत ये है कि आपको किसी भी तरह की बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप इसको मखाना क्रश कर, अच्छा आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं बाइंडिंग की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती मेरे ख्याल से क्योंकि उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी तो फिर आप इसको जो हेलो, केले में हेलो बाइंडिंग जरूरत, ठीक है, और उसकी वजह से उसमें इट इज लाइक पोटेटो, इट इज अ बाइंडिंग के आपको बिल्कुल कोई भी स्टार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कैन यू हियर मी सौरभ, कैन यू हियर मी, कैन आई यू हियर मी, कैन हियर यू, ओके आपका ठीक है। वीडियो चला गया। क्या चला गया? आपका वीडियो चला गया, अभी आपका विजुअल आ गया, आई कैन सी यू, हेलो यस यस, हेलो। हेलो 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 हेलो, यू कैन सी मी, ओके ओके, यू कैन सी बिल्कुल मी, बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो सो यू नो, सो आपने उसकी मसाला बना लिया, अब आप मखाना को ले लें और मखाना को पैक का बोलता हूँ, इसका मतलब यह है कि भून ले। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो, बिल्कुल हाँ कैन यू बिल्कुल, हियर आई मी, कैन सी यू, कैन यू सी मी, हाँ हाँ आई कैन सी यू, बढ़िया आई कैन सी यू, ठीक है। तो उसके बाद बढ़िया, आप मखाने मखाना को लेके भून लें, ओके, हाँ और भूनने के बाद आप उसको क्रश कर लें और क्रश करके ओके उस टिक्की के को कोट कर ले, जैसे ब्रेड क्रम होता है वैसे ही आपने हाँ, मखाना ओके के ओके क्रम्स बना लिए, ओके। और थोड़ा सा मखाना क्रम बचा भी ले, और जैसे आप पोहा बनाते हो वैसे मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छा, आप उसके बाद उसमें क्रम करके और आप पैक पैन में घी डालें, ओके, और घी डालने के बाद आप इसको या तो सेक ले पैन में या तो आप इसको ऑयल में डीप फ्राई कर ले, ठीक है। आपने डीप फ्राई कर अच्छा लिया तो यह काफी अच्छा क्रिस्पी, बाहर से मखाना क्रिस्पी होगा और अंदर से केले की सॉफ्टनेस आएगी, और मैं मतलब चिली का तो ऑफकोर्स स्पाइसीनेस होगा ही, ठीक है। तो ये आपका हो हाँ गया। इसके साथ आप कच्चे केले को लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस कर ले, जैसे चिप्स बनाते हैं आप, पैकेट वाला यूज करते हो, तो जी मैं जी बोलूंगा आप जी पैकेट बिल्कुल वाला मत यूज करो, ओके। और आप उसी अच्छा कच्चे केले को लंबा लंबा जो ग्रेटर होता है ना घर पे ग्रेटर, जी, उसमें एक स्लाइसिंग का भी होता है ब्लेड, ओके, तो आप उस ब्लेड से स्लाइस करके उसको भी फ्राई कर लो तो अच्छा सा चिप्स बन जाएगा, ओके। ओके की ओके टिक्की बन गई और कच्चे केले का चिप्स बन गया, और छिलके को भी नहीं फेंके, छिलका एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है केले का, ओके। लोग केले जनरली का उसको छिलका यूज डिस्कार्ड कर होता है, देते हैं पर अच्छा आप उसको चाहे तो उससे बड़े केले का छिलके को, आप केले के छिलके में ग्रीन चिली, केले के छिलकों को आपको बॉईल करना है अच्छी तरह से, ओके बॉईल करने के बाद इसको आपको छानना है, और छानने के बाद इसको मिक्सी में कच्चे केले का छिलका, थोड़ा सा नारियल, ठीक है, और थोड़ी सी ग्रीन चिली, कोरिएंडर के बेसिकली कोरिएंडर की जड़, कोरिएंडर का जो जड़ होता है वो, जी और जी जी थोड़ा सा लेमन, ओके, और उसके बाद आप इसमें सेंधा नमक डाल दें और इसकी इसको घुमा दें, जैसे आप सांभर की जो सांभर का कोकोनट चटनी होता है ना वैसे ही जी हाँ आपको जी हाँ ये जी
ये आपको ऐसी चटनी बन जाएगा। तो ओके ओके बेसिकली ये स्नैक प्लेटर जो आप देख रहे हो उसमें कच्चे केले का टिक्की है, उसके बाद कच्चे केले का चिप्स है और कच्चे केले की ही ठीक चटनी है। ओके ओके ओके, सो ऑल थ्री इन वन प्लेटर, इट्स ए वेरी नाइस हेल्दी स्नैक। ओके, ओके आप इसको आराम से टर्मरिक टी या अश्वगंधा चाय या आंवला चाय या जिंजर टी, सॉरी नहीं जिंजर तो अलाउड नहीं है, तो इस तरह का कोई भी चाय बनाए उसको उसके साथ वो खाए और बी हैप्पी, आपने एक अच्छा सा यूज किया है, बिकॉज इट्स ए वेरी नाइस स्नैक, वन शुड ट्राई इट होम। नहीं, ये इज अ लेकिन ये सुन के लग रहा है कि बहुत डिलीशियस होगा। ऑफ कोर्स, अब देखिए वीडियो कॉल पे आपसे बात करने का नुकसान यही है कि मतलब मैं वहां पे आपके साथ मौजूद नहीं हूँ इसको ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, विच इज नहीं नहीं बैड। आई थिंक सौरभ, लेट्स कीप डूइंग इट एटलीस्ट 3 वीक्स, बिकॉज यू नो वी आर एक्चुअली क्वारंटाइन, काइंड ऑफ क्वारंटाइन एट होम, सो हम हाँ इसको जो मतलब लेट्स डू सही वन में और टू वर्क डिशेस यार व्हाई फ्रॉम नॉट, सब जीने लगे। हाँ लेट्स डू वन और टू डिशेस की हम थोड़ा सा डिशेस प्रैक्टिकली भी बना के दिखाते हैं, अभी तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तो हम लोग ऑफ कोर्स हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाया विद बेटर इंटरनेट स्पीड्स एंड ऑल दैट, तो ऐसा कुछ बना के भी आप दिखा दें तो मतलब बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा मतलब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने इसमें केले का यूज किया है, तो कहीं ना कहीं क्या ये डायबिटीज वालों के लिए हेल्थी रहेगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। आप सुन पा, नहीं हाँ, मॉडरेट क्वांटिटी इन मॉडरेशन में, इन मॉडरेट तो मेरे ख्याल मैं बोल रहा हूँ, इन मॉडरेशन में अगर हम इसको लेते हैं, बिकॉज इट इज अच्छा इफ आई अगेन, हाँ तो ये मैं अगर वापस प्लेट की ओर जाता हूँ तो जितना आप उतना ही ले, करीबन 100-150 ग्राम इज आई थिंक इट शुड बी फाइन। अच्छा। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स वही मॉडरेशन वाली बात आ गई है, मॉडरेशन तो मतलब हर जगह ये बहुत मेरी जरूरी पहली, है। ये देखो इसमें देखो सौरभ, इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और देर इज नो रिफाइंड स्टार्च इन दिस इफ यू लुक एट इट। हाँ यस ओके, आई थिंक कुछ नहीं टेक्निकल इश्यू होता हो रहा है, है बीबीसी सो में नो मैदा सिग्नल। नो कॉर्न स्टार्च बी फैंटास्टिक, बिकॉज मखाना इज अगेन वेरी गुड फॉर पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज, और वो बोरिंग नहीं हो रहा है, हम इसको हाँ, कैन यू हियर मी निशांत, आपकी आवाज चली गई, मेरे ख्याल से आपका वीडियो भी चला गया। आई डोंट नो इफ निशांत कैन हियर मी।
निशांत आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ सौरभ, बट देख नहीं पा रहा हूँ तुमको। आप अच्छा देख अच्छा रहे हाँ आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे यस यस यस, सेम पिंच हो गया है, तो सेम पिंच हो गया। सेम पेज। मीनवाइल ये आपके पास एक आज डिश थी जो मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने हाउस वाइफ्स और अपने जो होम मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं, और जहाँ पे नवरात्र चल रही है अपने हेल्थ का भी ध्यान रख के और अपने स्वास्थ्य को भी ख्याल में रख के वो लोग इस तरह की चीज को बना सकते हैं घर पे। करेक्ट करेक्ट। अच्छा आप सौरभ, ये तो आई थिंक मैं दूसरा स्नैक्स बनाने के लिए तुमको बताने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जी ओके तो हाँ, ये तो सुनने के लिए हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, और इसीलिए हमने आपको परेशान किया इस वक्त जब सब सब लोग क्वारंटाइन हो चुके। नहीं, श्योर श्योर, इट्स माय प्लेजर यार, माय प्लेजर कि एटलीस्ट हम कुछ शेयर करें ताकि लोग को फायदा हो। एंड जी आई जी थिंक दिस जी इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। सो जी हाँ ये जी स्नैक्स देखो, जब नवरात्र होता है ना तो क्रेविंग होती है चाट की। जी हाउ कैन समबडी नॉट हैव चाट? सो यू नो दे अरे लाइक टू बिल्कुल हैव। जब आप व्रत करते हो ना, तो आपको जब शाम को खाने को मिलता है ना, तो आप जी हाँ चाहते हो जी हाँ जी हाँ कितना चटपटा खाना मिले, उसकी जी जो जी क्रेविंग होती है ना आप एक बार व्रत को तो पता चलेगा कि थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा स्पाइसीनेस, यू नो, थोड़ी सी हाँ मिठास। जी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक चाट बना के आपको बताऊं। ओके एंड अरे यू आर दिस इज वेरी फेवरेट, मोस्ट दिस वेलकम इज, सो आई थिंक यू नो, सो इसलिए मैंने सोचा कि यू नो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी व्हेन यू लुक एट रेस्टोरेंट्स जो नवरात्र थाली देते हैं। आप देखोगे शाम को हाँ वो काफी सारा फ्राइड या चाट या यू नो इस तरह का चीज खाते हैं। तो उसमें ये जी स्नैक्स जो है, ये कॉम्बिनेशन है। एक थोड़ा मैंने इसमें जो फूड के सेंसेस होते हैं उसको यूज किया है। तो इसमें मैं अच्छा वाटरमेलन और वाटर चेस्टनट, जो ओके फ्रेश सिंघाड़ा होता है, वाटर चेस्टनट, ठीक है, पानी फल जिसको पानी फल भी बोलते हैं, और अभी के अच्छा सीजन हाँ, में उस ये सिंघाड़ा को पानी ज्यादा फल कहते मिलता हैं, है। जी, और तो ये अभी के मेरे लिए भी नई सीजन चीज में, है। हाँ चलो गुड, सो अभी के सीजन में ये काफी ज्यादा मिलता है फ्रेश। ओके और जी फ्रेश वाटरमेलन भी बहुत होता है बिकॉज समर्स है, सो आपको क्रेविंग होती है, आपको प्यास लगती है, सो आप मेलन काफी अच्छा बिल्कुल आ रहा है अभी, बिल्कुल वाटरमेलन हो, चाहे वो सरदा हो जो कि व्हाइट मेलन होता है, अब हाँ हाँ तो जी जी येलो जी जी येलो मेलन भी अवेलेबल हो रहा है मार्केट में, बट आई थिंक दोज आर एक्सपेंसिव वन, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अभी हम अच्छा वाटरमेलन के साथ फ्रेश वाटर चेस्टनट की चाट बनाएंगे। ओके अच्छा और अच्छा अच्छा यस, तो आप सबसे पहले वाटर चेस्टनट पानी फल को बाजार से ऑफ कोर्स लेके आए और उसको अच्छी तरह से वॉश करें बिकॉज उसमें काफी ज्यादा गंदगी होता है। ओके एंड इट इज फाउंड इनसाइड लाइक इनसाइड द मड काइंड ऑफ, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रियली वॉश इट वेरी वेरी केयरफुली, और कोल्ड और वाटर में खुद भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि भाई आप ऐसे में मतलब आपको जब हाथ धोना है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया है और दूर रहने के लिए बिल्कुल कहा गया है तो खुद भी बहुत ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल 100%। तो आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें कोल्ड वाटर में, और उसके बाद आप इसको छिलके, इसका जो छिलका होता है उसको हटा लें। ओके सावधानी पूर्वक, ओके ट्राई टू यूज ए ग्लव्स बिकॉज आई थिंक वी लॉस्ट द कनेक्शन अगेन। आयु दे निशान, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?